कल की तरह शुरू हुआ। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, मेरा सेकेंड फास्ट है, तो अभी लंच टाइम हो चुका है और सब्जी रेडी है, बस चपाती बनानी है। बच्चे कह रहे हैं भूख लग रही है, सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो इसीलिए आज पहले टाइम में सो गई। अब उठी हूँ, बस बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। पापा आ जाएंगे, मम्मी सबके लिए, अब सब खाना खाएंगे। और अभी मैंने अपने लिए कोई सब्जी बनाई नहीं है, तो जब ये सब खाना खा लेंगे फिर मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी। आज देखती हूँ क्या बनाती हूँ, आलू बनाऊँगी, आलू की सब्जी बनाऊँगी, या थोड़े से व्रत वाले राइस बना लेंगे और बस खा लेंगे फिर। और देखते हैं आज का बाकी का दिन कैसे जाता है। सुबह तो वही था, पहले हम जल्दी उठे, पूजा करी मंदिर में, और फिर बाकी घर का अपना रूटीन करा, क्लीनिंग करी थोड़ी सी। आजकल क्लीनिंग भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि दिवाली आ रही है। बस यही होता है कि सुबह कर लो जो जितना हो सकता है, उसके बाद बच्चों को भी टाइम देना है और थोड़ा अपने को भी टाइम चाहिए। हाँ, लग रहा है मुझे कोल्ड हो रहा है, मैं सो के उठी हूँ ना अभी, तो मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है, मेडिसिन खाती हूँ। आज बनी है आलू और घी के कोफ्ते, लगता बढ़िया मर गया। बस बच्चे खा लें क्योंकि बच्चे को खाते हुए बहुत तंग करते हैं ऐसी सब्जी, पर वक्त में समझ नहीं आता ना रातों में क्या बना के दें बच्चों को, पर जो बना है आज यही खाना पड़ेगा हमें। खा रही हूँ व्रत का खाना, मैंने बनाया है आज राइस और साथ में ले लिया दही। और रायशा कर रही है यहाँ पे माता रानी की ड्राइंग, दिखाओ रायशा। वाओ, बहुत सुंदर बन रही है, वेरी गुड। गौ माता को हमारी साफ कर रही है, क्लीन कर रही है। किससे कर रही है? ब्रश से, कोलगेट। इसमें पाउडर है क्या? ये बताइए, ये सारा सामान बड़ी खाली हो गया।